नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर पे वेस्ट प्लास्टिक के बोतल को कैसे आप प्लांटर की तरह यूज़ करेंगे और उसमें कैसे ढेर सारे पार्सलिन जो फ्लावर प्लांट है समर का वो खिलाएंगे, उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कॉम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड। यहाँ पे मैंने घर पे पड़ा हुआ जो पानी का बोतल है उसको मैंने हाफ़ करके, एक लीटर का जो बोतल है उसको मैंने हाफ़ करके हाफ़ यहाँ पर मैंने प्लांटर के तरह यूज़ किया है। देखिए उस पर डॉट पेंट किया है मैंने, ये कलर से मैंने डॉट डॉट किया है, आप कोई भी पेंट कर सकते हैं। उस पर मैंने दो कटिंग लगाया था पार्सलिन का, देखिए कितना सारा पार्सलिन का ये जो ब्रांच है वो बन गया है। कटिंग को क्या करना है, कटिंग जब 15 दिन का हो जाए तो उसका जो मेन ब्रांच है उसको पिंचिंग कर दीजिए। पिंचिंग करने से क्या होगा, उससे बहुत सारा ब्रांच निकलेगा। फिर जो आपने पिंचिंग किया है उसको आप दो हफ्ता के बाद फिर पिंचिंग कर दीजिए तो आपके प्लांट में बहुत सारा ब्रांच निकल के आएगा फ्रेंड। ये जो पार्सलिन का प्लांट देख रहे हैं ये बहुत सारा कलर में आता है, प्यारा प्यारा, और ये कटिंग से बहुत अच्छे तरह से लग जाता है। सीड से भी ये प्लांट उग जाता है मगर कटिंग से बहुत जल्दी ही इस प्लांट पे फ्लावर आ जाता है। ये सन लविंग प्लांट है, इसको इसलिए इस प्लांट को आप सूरज की किरणें में रखेंगे तभी ये प्लांट बहुत सारा कलियाँ बनाएगा और फूल भी देगा। अभी बात करते हैं सॉइल मिक्सिंग की। मैंने हैंगिंग प्लांटर है इसलिए मैंने लाइट वेट सॉइल मिक्सिंग यूज़ किया है। इसमें मैंने 50% कोकोपीट डाला है, 30% कंपोस्ट डाला है और 20% गार्डन सॉइल डाला है फ्रेंड। अगर आपके प्लांट पे खाद देंगे तो ये प्लांट बहुत सारा फूल आपको देगा। मैंने इस प्लांट पे हर हफ्ते अपना लिक्विड खाद जो है वो बना के दिया है। आपके पास जो भी ऑर्गेनिक खाद है उससे आप लिक्विड खाद बना के इस प्लांट पे दे सकते हैं फ्रेंड। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, वो है इसमें जो फ्लावर खिला हुआ है, जो फ्लावर खिल गया है, स्पेंट फ्लावर है, उसको आप हटा दीजिए, नहीं तो सीड बनना शुरू हो जाएगा। अगर सीड बनना शुरू हो जाएगा तो प्लांट में फूल लगना कम हो जाएगा। और जिस ब्रांच में पूरा फ्लावर खिल गया है उस ब्रांच को आप पिंचिंग कर दीजिए तो उससे नया डाल निकलेगा और बहुत सारा फूल आपके प्लांट में खिलेगा। सारा समर ये जो प्लांट है ये फ्लावर में भरा रहता है फ्रेंड। ऐसे वेस्ट प्लास्टिक की बोतल में आप इस प्लांट को लगाएंगे बहुत सारा और हैंग करके आपके घर के घर में रखेंगे तो आपका जो घर का शोभा है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। आशा करती हूँ कि आप इस प्लांट को घर पे लाएंगे और बहुत सारा प्लांट घर पे लगाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके मिलती हूँ।